बेबी नैपकिन की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है, लेंथ 15 इंच, विड्थ 15 इंच, डॉट लेंथ 5 इंच, लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 15 इंच। इसमें जो डॉट का उपयोग करेंगे वो उसकी लेंथ है हमारी 5 इंच। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे, लेंथ हमारी है 15 इंच। नैपकिन बनाने के लिए लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होती है। इसमें 15 इंच हमने लेंथ ली, 15 इंच ही हम इसमें विड्थ लेंगे। 15x15 का इस तरीके से 15x15 की हम चारों रेखाएं खींचेंगे। लेंथ लेनी है, 15 इंच ही हमने चौड़ाई लेनी है। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। बनाने के बाद किसी भी कोने से, इस कोने से या इस कोने से, इस कोने को इस कोने से मिलाएंगे, मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पे इसका सेंटर लेके इस कोने को इस कोने से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार। ये रेखा खींचने के बाद इस रेखा का यहां से यहां तक की इस रेखा का सेंटर करेंगे, सेंटर करेंगे। यहां पे सेंटर करने के बाद ये हमने यहां से इसका सेंटर करना है। ये सेंटर पॉइंट आया, इस रेखा का सेंटर करना है। सेंटर करके ये निशान लगाना है। डॉट की जो लेंथ है वो हमारी 5 इंच है। इस निशान से 2.5 इंच ऊपर 2.5 इंच नीचे हमें एक निशान लगाना है। ये जो हमने डॉट की रेखा खींची है ये 5 इंच लेनी है, 2.5 इंच सेंटर से इधर और 2.5 इंच इधर। ये रेखा खींचने के बाद आधा इंच इस रेखा से इधर निशान लगाना है और आधा इंच इधर लगाना है। इन दोनों को इस रेखा से मिला देना है। मिला के ये हमारी डॉट तैयार हुई। दोनों को इसी तरीके से मिलाना है, आधा इंच की चौड़ाई देते हुए। ये वाली जो हमारी सेंटर की रेखा है इस रेखा से 2.5 इधर निशान लगाना है, इसी रेखा से 2.5 इधर निशान लगाना है। इस रेखा से ये हमने यहाँ पे 2.5 पे एक निशान लगाया, 2.5 पे ही हमने यहाँ पे ये निशान लगाया। इन दोनों को 2.5 इंच इधर 2.5 इंच इधर करके 5 इंच का जो हमें है यहां से 5 इंच, इस रेखा से 2.5 इधर 2.5 इधर, टोटल 5 इंच। डॉट की जो लेंथ है वो हमारी 5 इंच होनी चाहिए। इसी प्रकार इसकी लेंथ भी हम 2.5 नीचे की तरफ, 2.5 ऊपर की तरफ ये निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हाफ इंच की हमने ये डॉट डाली है, हाफ इंच की डॉट हम ये वाली डालेंगे। और जिस प्रकार हमने इस डॉट को मिलाया उसी तरीके से इन दोनों डॉट को भी हम मिला देंगे।
तीनों डॉट इक्वल लेंथ और इक्वल ही इसकी विड्थ होगी। आधा आधा इंच हमने चौड़ाई रखी है और 5 इंच इसकी लेंथ रखी है, इसको भी हम इससे मिला देंगे इसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहली डॉट को मिलाया था। ये डॉट लगाने का हमारा मकसद ये है कि जो हमारी कमर है उस पर फिटिंग आ जाती है, फिटिंग आने से हिप पर लूजिंग आती है, फुलनेस आ जाती है। ये जो रेखा है हमारी कमर पे आती है, ये वाली जो सेंटर रेखा है यहाँ पे हमारी फुलनेस आ जाती है और ये कमर की फिटिंग हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना है नैपकिन बनाते वक्त चारों रेखाएं बराबर ही होनी चाहिए। ये हमने 15x15 ली है, लेंथ भी हमारी 15 है और विड्थ भी 15 इंच है। आप किसी भी नाप का इसी प्रकार से नैपकिन बना सकते हैं। ये हमारी बेबी नैपकिन की ड्राफ्टिंग बनके कंप्लीट हुई।